हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आए दिन भारतीय रेलवे कुछ ना कुछ पैसेंजर्स के लिए करता रहता है, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए करता रहता है। तो उसी के अंदर ही यहाँ पे जो हमारी रेल कोच फैक्ट्री है, वो एक नई टाइप के कोचेज को जो यहाँ पे डेवलप कर रही है, जिसमें कुछ इमेजेस, कुछ लीक्स निकल के सामने आए हैं। ठीक है, तो टेक्निकल यूट्यूबर्स की तरह आज हम उन इमेजेस और लीक के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं और आपको बताते हैं कि रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसका विजन है और पैसेंजर एम्यूनिटीज के अंदर ये किस तरह से जो है बदलाव लाने वाला है। तो यहाँ पे जो कोचेज आप लोग देख रहे हो दोस्तों, इनको रेल कोच फैक्ट्री के अंदर बनाया जा रहा है और ये हमारे वही नॉर्मल जो डबल डेकर कोचेस होते थे ना, उसके अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। देखिए, जो हमारे नॉर्मल डबल डेकर कोचेस होते थे, उसमें तीन सेग्रीगेशन ऑफ सीट्स होती थी। एक आपका जब आप एंटर करते थे तो आपको एक मिडल डेक मिलता था, जहां पे कुछ 8-10 लोग बैठते थे। फिर एक लोअर डेक होता था, एक अपर डेक होता था। ठीक है, अब पुराने टाइम में हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारे डबल डेकर ट्रेन है उनको इतना ज्यादा पैसेंजर्स है ना, पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं मिली, मतलब लोगों ने उसमें इतना ट्रैवल वगैरह करना प्रेफर नहीं करा। यही कारण था कि वो लिमिटेड रूट्स के ऊपर ही चलाई गई और आगे एक्सपैंड नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेज रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी एंड उसकी सीट्स कंफर्टेबल नहीं थी, ऐसी कुछ उसमें जो है इश्यूज थे। मैंने भी कई बार ट्रैवल करा है, मुझे भी ऐसे इश्यूज आए। रेलवेज यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एड्रेस कर रहा है और अब वो क्या कर रहा है कि उसने जो उसका लोअर डेक वाला हिस्सा है ना, उसमें से पैसेंजर सीट्स को वो कम्प्लीटली निकाल रहा है, निकाल के बाहर रख देगा और वहाँ पे पूरा लगेज वाला हिस्सा बना देगा। एंड इन कोचेज को कहा जाएगा डबल डेकर कम लगेज वैन वाले कोचेज हो जाएंगे। ये पूरी एक डबल डेकर ट्रेन होगी जिसमें मिडल डेक होगा, अपर डेक होगा, लेकिन आपका लोअर डेक प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पे लगेज रखा जाएगा। आप कहोगे लगेज की क्या ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आन पड़ी जिसमें इतना लगेज रखना पड़ेगा, इतना लगेज रखना पड़ेगा, भाई लोगों पर इतना लगेज थोड़ी होता है। तो ये दोस्तों लोगों के लिए नहीं है, रेलवे अपने फायदे के लिए इस चीज को जो है कर रहा है। वो फायदा क्या है? देखो, रेलवे को ग्रो होना है। रेलवे ने पिछले कुछ सालों में फ्रेट यानी कि जो माल ढुलाई होती है उसके अंदर थोड़ा सा पुश करा और उसको इफेक्ट, उसको रिजल्ट्स मिले, उसको उसकी कमाई बढ़ती हुई दिखी। तो रेलवे यहाँ पे और क्या कर रहा है कि अब वो ना अपनी जो फ्रेट का बिजनेस है उसको उसके अंदर लास्ट मील कनेक्टिविटी जोड़ना चाहता है। लास्ट मील कनेक्टिविटी क्या होती है कि बिल्कुल डोर स्टेप डिलीवरी आपको जो है रेलवे प्रोवाइड कर दे, जस्ट लाइक आपके अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह जो होते हैं। फटाफट आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा, आपके घर आ गया, आपको रेलवे से कोई पार्सल भिजवाना, आपके घर से उठाएंगे, आपके घर पहुँचा देंगे। ऐसी रेलवे जो है सर्विस कुछ बनाना चाह रहा है जिसके लिए उसको चाहिए क्विक, कि भाई फटाफट से उसका सामान जो है लोड जो है स्कैन हो, फटाफट से ट्रेन में लोड हो, जो भी नियर बाई ट्रेन हो रही है उसके अंदर बैठ करके फटाफट से वो निकल जाए, प्रायोरिटी से वहाँ कस्टमर के डेस्टिनेशन पहुँच के उसके घर पर डिलीवरी स्टार्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो आपके डबल डेकर कोचेस हैं इनके अंदर ही उन सामान को लोड कर दिया जाएगा। एग्जांपल समझो, आप इंडिया में कहीं भी हो, आपको मैसूर पाक खाने का मन है तो आपने मैसूर से मैसूर पाक ऑर्डर करा, तो रेलवेज क्या करेगा, वहाँ से जो ट्रेन आ रही होगी उसके अंदर आपका मैसूर पाक रखेगा। और ये तो पैसेंजर वाली गाड़ी है ना, इसमें तो लोग जाएंगे, इसका तो प्रॉपर टाइम टेबल होगा, प्रॉपर प्रायोरिटी होगी, एक फिक्स शेड्यूल पे गाड़ी चलेगी। तो फटाफट से समझ लो वहाँ से 12:30 बजे ट्रेन निकलेगी, 4 बजे बेंगलोर पहुँचेगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 बजे बेंगलोर पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल आपको चितले बंदों की बाकरवड़ी खानी है, अमेजोन पे अवेलेबल होती है वो वैसे तो, बट एग्जांपल समझो कि आपको वो खानी है तो रेलवे वहाँ से चितले बंदों की बाकरवड़ी उठाएगा, आपको दे देगा ला करके। तो ऐसे करके चीज़ें जो है वर्कआउट होंगी और इस तरह से रेलवे जो यहाँ पे प्लान कर रहा है इस टाइप के कोचेस को लाने को लेकर के। हालांकि जो फोटोज में कोचेज हमने देखे हैं दोस्तों, ये अभी RDSO ट्रायल इनका होना है। एक बार इनके RDSO ट्रायल वगैरह होंगे, इनकी लिवरी अभी सामने आएगी किस रंग के इनको करेंगे, ठीक है, फिर उसका KMPH मतलब कितनी स्पीड पर दौड़ सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से 200 होगा, बाकी गॉड नोज। और उसके बाद पता चलेगा कि ये जो डब्बे हैं ये नॉर्मल जो हमारी ट्रेनें चल रही हैं शताब्दी वगैरह उनके अंदर जाकर के कपल हो जाएंगे, या फिर ये जो डब्बे हैं ये एक डेडिकेटेड और जो डबल डेकर ट्रेन्स हैं वहाँ पे और ज़्यादा रेलवे जो है डबल डेकर ट्रेनें लेकर के आएगा इस टाइप की, और वहाँ पे जो है ये यूज़ होने स्टार्ट होंगे। ये चीज़ हमको जो ये एक चीज़ जो है हमको थोड़ा सा फ्यूचर में क्लियर हो पाएगी इसको लेकर के। तो इस वीडियो में दोस्तों इधर रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।